हेलो गाइस, वेलकम टू किंग्स जोन। तो भैया, मैं पहले बता दूं कि मैं कोई टिप्स एंड ट्रिक्स वाला बंदा नहीं हूँ जो आपको एकदम जोरदार सी एक्सप्लेनेशन देगा और आप एकदम समझ जाओगे, बट मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा। तो ये वीडियो कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में है, लाइक क्लोज कॉम्बैट हो गया, थोड़ा सा स्नाइपिंग का भी हो गया, थोड़ा मिड रेंज भी फायर हो गया, अपना एम ट्रांसफ़र हो गया, क्रॉस एयर प्लेसमेंट हो गया, देन TDM में जो बंदे स्नाइपिंग करते हैं क्लोज में वो हो गया। तो आगे आगे आपको पता चलेगा क्या क्या आने वाला है। तो देखो भाई, पहले मैं जो चीज़ें मैं खुद प्रैक्टिस करने वाला हूँ, मैंने अभी तक करी नहीं है कभी किसी चीज़ पर, आईपैड पर भी खेलता था, फ़ोन पर भी, बट अभी करने वाला हूँ। मेरे फ़ोन आया तब से तो मैंने सोचा था, तो जिस चीज़ पे मैं प्रैक्टिस करूँगा वो मैं बता रहा हूँ कि कौन सी चीज़ पे प्रैक्टिस करूँगा कौन सी नहीं। तो स्टार्ट करते हैं हम। पहली चीज़ जो है कि क्रॉसर से जब आप फाइट लेते हो क्लोज कॉम्बैट की, ठीक है, आप ADS नहीं ओपन करते हो, क्रॉसर से फाइट लेते हो, उसके बारे में है। तो देखो, सिंपल सी एक चीज़ करनी है, ट्रेनिंग ग्राउंड में जाओ। ट्रेनिंग ग्राउंड में जाके यहाँ पे जो ये सारे टारगेट्स, मूविंग टारगेट्स है, वहाँ पे आप चले जाओ। कोई भी एंगल आप पकड़ सकते हो, लेफ्ट राइट बीच में हर जगह, ठीक है। मैं अब सारे अलग अलग एंगल ट्राई कर रहा हूँ, मैं बहुत सारी बंदरों की तरह छलांगे वलांगे मार रहा हूँ। तो ये एक हो गया। देन ये जो दिख रहा है आपको, वैसे ही प्रैक्टिस करनी है सारे मूविंग टारगेट से, क्रॉसर अपना मूव करते करते पहले थोड़ा स्लोली करना, देन फास्ट करना, क्योंकि अगर किसी को प्रैक्टिस ना हो फास्ट टारगेट्स मूविंग पे फायर करने की, तो स्लोली स्लोली करो, धीरे 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 प्रैक्टिस करते करते आपका एकदम फास्ट आ जाएगा। तो एक ये हो गया। तो ये तो हो गया अपना क्रॉसर फाइट। देन अगर बात करें ADS फाइट की, जैसे आप 40-50 मीटर फाइट ले रहे हो और आपको उसमें अच्छा सा एम लाना है अपना, ठीक है, प्रैक्टिस करके, तो सिंपल सी चीज़ है, थोड़ा सा पीछे चले जाओ, अपना डिस्टेंस जो है बढ़ा लो, और सेम चीज़ करनी है, बस ADS खोल के करनी है। आप जितना जल्दी टारगेट्स को मार पा रहे हो उतना जल्दी उतना अच्छा एम आपका इम्प्रूव होगा। तो इस हिसाब से प्रैक्टिस करते रहो, बस एम आपका बढ़ जाएगा। तो ये तो हो गया ADS फाइट। देन ADS में ही आपको फाइट लेते लेते अपना एम ट्रांसफ़र कैसे इंप्रूव करना है उसके बारे में, बहुत पुराना ड्रिल है, बट यही अच्छा है और यही बेस्ट है, यही प्रैक्टिस करो, इससे बहुत अच्छा आपका एम हो जाएगा ADS फाइट में। देन गाइस, दूसरा मैंने अपने तरीके से ट्राई करा है, अगर आपको जंप शॉट मार के कोई रश करके बंदा आपको मारने आए तो आप उसे कैसे टैकल कर सकते हो, मेरे तरीके से मैं बता रहा हूँ, देख लो जो चल रहा है आपके सामने स्क्रीन पे। बाकी आप अपने तरीके से भी ऐसे बहुत सारे एंगल ढूंढ के आप कैसे फाइट लेते हो उस हिसाब से प्रैक्टिस कर सकते हो ट्रेनिंग ग्राउंड में जाकर। देन आगे बढ़ते हैं स्नाइपिंग की तरफ। तो एक बेसिक सी ड्रिल है जो यहाँ पे टारगेट रखे हैं डिस्टेंस वाले, वहाँ पे आपको अपनी पोजीशन ले लेनी है, स्नाइपर उठा लो कोई भी वाली जो आपकी फेवरेट हो, और मैंने यहाँ पे ऑम उठाई है। तो सिंपल आओ यहाँ पे अपने टारगेट के जो हेड वाले एम है वहाँ पे अपना एम लगाओ और मारो। सिंपल पहले आपको सीधा स्कोप नहीं खोल देना है अपना, ये बहुत सी बेसिक बात बता रहा हूँ मैं, पहले सीधा आप अपना क्रॉसर जो है उस टारगेट पे लेके जाओ, देन स्कोप खोलो और धीरे धीरे करते करते जितना तेज़ी से कर सको करो, ठीक है। तो ये तो हो गया अपना 100 मीटर तक डिस्टेंस वाली स्नाइपिंग का प्रैक्टिस, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा रेंज बढ़ाना है अपना, 200-300 में प्रैक्टिस करनी है। तो सिंपल अपना जो है पूरा बहुत बड़ा सा ट्रेनिंग ग्राउंड मिला है हमको, वहाँ पे जाओ, कहीं पे भी रुको, 200-300 मीटर वाले एरिया में आप प्रैक्टिस कर सकते हो। मैंने यहाँ पे विंड टर्बाइन चूज़ करा है, तो वहाँ पे मैं 200-300 डिस्टेंस पे खड़ा हूँ और सेम चीज़ कर रहा हूँ जो वहाँ पे कर रहा था, सिर्फ यहाँ पे क्या है विंड टर्बाइन के जो छोटा सा डॉट है बीच में वो वाले एरिया पे हमको प्रैक्टिस करनी है। सिंपल जो आगे किया था वही करना है, बस थोड़ा सा धीरे धीरे करके फास्ट होना है आपको। ये हो गया। तो ये हो गया अपना बेसिक स्नाइपर प्रैक्टिस। और अगर दूसरी आपको फ्लिक शॉट की प्रैक्टिस करनी है तो वापस अपने डिस्टेंस टारगेट वाले जगह पे जाओ, वहाँ पे जाके एक सिंपल प्रैक्टिस करनी है कि कोई भी एक टारगेट पे अपना खोलो स्कोप, और वहाँ से आपको क्या करना है, उस टारगेट पे मन नहीं मारना है, वहाँ से लेके आपका स्कोप मूव करके दूसरे टारगेट पे मारना है। और ये जैसे मैं कर रहा हूँ आपको दिख रहा है, सेम चीज़ करनी है, जितना फास्ट करोगे उतना आपका इम्प्रूव होगा फ्लिक शॉट। बस ये बेसिक से ये भी एक बेसिक सी प्रैक्टिस है, तो जितना करोगे उतना इम्प्रूव होगा। तो ये थी सारी बेसिक चीज़ें जो हम यूज़ करते हैं क्लासिक मैच में, स्नाइपिंग एंड असॉल्टिंग, थोड़ी बेसिक प्रैक्टिस होगी उसकी। देन दूसरा ये है कि आपका अगर आपको क्रॉसर प्लेसमेंट जो है, आपका क्रॉसर जो बंदे पे जाके लगना चाहिए वो थोड़ा सा इम्प्रूव करना है, 30-40% आप इम्प्रूव कर सकते हो आराम से, उसके लिए छोटी सी प्रैक्टिस मैंने दिखाई है बेसिक सी इसमें। तो ये सिंपल आपको क्या करना है, यहाँ पे आ जाना है ये टारगेट पे, और टारगेट पे लेफ्ट टू राइट जाते जाते स्नाइपर अपनी या असॉल्ट लो, वो ही लो लो और प्रैक्टिस करने लग जाओ, जो बीच का उसका डार्क वो है टारगेट,
वहाँ पे जितना प्रिसाइजली मार सको मारो, ठीक है, हिलते हिलते जितनी इसकी प्रैक्टिस करोगे उतना आपका एम प्रिसीजन बढ़ेगा और आपका जो है क्रॉसर प्लेसमेंट भी अच्छा हो जाएगा। तो गाइस यही सारी बेसिक सी चीज़ थी जो मैं प्रैक्टिस करने वाला और जो मैं आपको भी रेकमेंड करूँगा प्रैक्टिस करने को, क्योंकि अगर बेसिक ही क्लियर नहीं होगा तो आगे की सोच नहीं सकते हम, ठीक है। तो बस यही है भाई लोग, जो था अच्छा लगा हो तो लाइक ठोक देना उसको, कमेंट करना क्या अच्छा लगा, और कुछ अच्छा नहीं लगा होगा तो भी कमेंट करके बताना, ताकि नेक्स्ट वीडियो मैं सोचूं बनाने की भी तो उससे पहले मैं ये सोच सकूं कि क्या मेरे को वीडियो में चाहिए और क्या नहीं चाहिए, ठीक है। सो गाइस डोंट फॉरगेट टू गिव अ लाइक एंड लाइक शेयर करो इसको, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को भी बता दो, और जो चीज़ ना अच्छी लगे उसको कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। ओके, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।